कहा यार, पहाड़ों के सपने दिखा के कहा यार, रेगिस्तान में ला के छोड़ दिया यार। कहाँ लेके आए, यहाँ तो पानी की भी कमी है, यहाँ तो लोगों में भी कमी है यार। कहाँ ले, तुम यहाँ के लोग इतने कंजूस है। अपन जितने जनों को जानते हैं सारे कंजूस तुम्हें सपने, एक भी रुपया नहीं निकलता। हाँ सर, कमी तो है बिल्कुल। हम क्या है कि अगर घी के अंदर मक्खी भी मर जाती है ना, तो उस पर लगा घी भी नहीं छोड़ते हैं, इतना कंजूस है हम। कैसे, एक बात बताता हूँ आपको। ये बात है लगभग 500 साल पुरानी, जब एक मंदिर की नींव में लगभग 40,000 किलो घी का उपयोग किया गया। सुनते ही आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन आज मैं आपको ऐसे ही मंदिर के बारे में बताऊंगा जो बयां करेगा कि मारवाड़ी है क्या और उनकी सोच क्या थी। हम बात कर रहे हैं बीकानेर विश्व प्रसिद्ध भांडा साहा जैन मंदिर की, जिसकी नींव में घी भरा गया। बीकानेर के लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के पास स्थित 500 सालों से भी ज्यादा पुराने इस मंदिर का निर्माण सेठ श्री भांडा साहा ने करवाया था, इसी वजह से इसका नाम पड़ा भांडा साहा जैन मंदिर। इस मंदिर में भगवान सुमतिनाथ की बड़ी ही सुंदर मूर्ति है। सेठ भांडा साहा के कई व्यापार थे, उनमें से एक व्यापार घी का भी था। और एक दिन सेठ जी अपनी दुकान पे बैठे थे और मंदिर के निर्माण को लेकर मंदिर के सूत्रधार यानी कि कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रहे थे। उसी समय एक मक्खी घी के टीन में गिरकर मर गई। सेठ जी की नजर जब उस मक्खी पर पड़ी तो उन्होंने अंगुली से उस मक्खी को निकालकर अपनी जूती पर रख लिया। जब मक्खी पर लगा घी जूती पर लग गया तो सेठ जी ने उसे हटा दिया और मक्खी को निकालते समय अंगुली से जो घी जमीन पर गिरा था उसे उठाकर भी अपनी जूती पर रगड़ लिया। जब उस कॉन्ट्रैक्टर ने यह देखा तो मन में विचार करने लगा कि जो आदमी घी के चार छींटों के लिए इतना लोभ करता है, वह इतना बड़ा मंदिर कैसे बनवाएगा। थोड़े दिन बाद जब नींव भरने का समय आया तो कॉन्ट्रैक्टर ने सेठ जी को कहा, यदि आप चाहते हैं कि मंदिर बहुत लंबे समय तक चले तो इसकी नींव में घी व खोपरा डालना पड़ेगा। सेठ जी ने बिना समय लगाए हाँ कर दी। दूसरे दिन जब मजदूर आए, उससे पहले ही सेठ जी के कर्मचारियों ने मंदिर की नींव में घी डलवाना शुरू कर दिया। कहते हैं 40,000 किलो घी डाला गया और जब कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पहुँचा तो वास्तव में सेठ जी घी डलवा रहे थे। ये देखते ही कॉन्ट्रैक्टर घबरा गया और उसने सेठ जी के पैर पकड़ लिए और मक्खी वाली जो घटना है उसे सेठ जी को बताया। इस पर भांडा साहा जी ने कहा कि धन का सदुपयोग करो, घी के छींटों पर चींटियां आती जो किसी के पैरों तले मारी जाती, जूते पर घी लगने से जूता मजबूत होगा और चींटियों के प्राण भी बचेंगे। अहिंसा की ऐसी सावधानी पूर्वक बात सुनने पर जितने भी कारीगर थे उन सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सेठ से क्षमा मांगी, लेकिन सभी से क्षमा मांगने और घी न डलवाने की विनती सुनने के बाद भी जो घी वहाँ आ चुका था उसे उन्होंने नींव में डलवा दिया। भांडा साहा जी ने स्पष्ट कहा कि घी अब मंदिर के निमित्त हो गया है, अतः उसका यही उपयोग होगा। अब आपको तो पानी की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पे जानवरों और जीवों के लिए भी हर 100 मीटर पर जंगलों में पानी की व्यवस्था कर रखी है, जिसमें आप तो हमारे मेहमान हो और मेहमानों का सत्कार हम पानी से नहीं छप्पन भोग से करते हैं। बाहर के लोग अक्सर कहते हैं कि मारवाड़ी कंजूस होते हैं। मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आई कि मारवाड़ी कंजूस कैसे होते हैं। मारवाड़ियों का जितना दिल होता है उतना दिल तो किसी का हो ही नहीं सकता। आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए और किसी भी मंदिर में चले जाइए, लगभग सभी मंदिरों का निर्माण मारवाड़ियों ने करवाया है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मारवाड़ियों ने भगवान के डर से मंदिर बनवाए हैं, लेकिन आप किसी भी गांव में जाएंगे तो वहां आपको धर्मशालाएं मिलेंगी। आज के जमाने में किसी भी शहर और गांव में जाने के लिए आपको बहुत से साधन मिल जाएंगे, लेकिन उस समय कोई भी साधन नहीं था। अगर कोई आदमी शहर गया हुआ है, उसको रात को अपने गांव आना था और शाम को उसकी लास्ट बस भी निकल जाती, तो उसके पास रहने के लिए और खाने के लिए एक ही ऑप्शन बचता था, वो था धर्मशाला, जिसका किराया मात्र 2 रुपए या 5 रुपए हुआ करता था। और अक्सर लोग कहते हैं कि राजस्थान के अंदर पानी नहीं है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में जब भी आप आए तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी आपको पानी खरीदने की जरूरत पड़ेगी। बाहर इतनी नदियां और पानी होते हुए भी आपको पानी बिस्लरी से पीना पड़ता है या खरीदना पड़ता है, लेकिन बीकानेर के हर 100 मीटर पर आपको एक प्याऊ मिल जाएगी जिसके अंदर ठंडे और मीठे पानी की शानदार व्यवस्था करी गई है। और अगर आप यहाँ के रेगिस्तान के जंगल में जाएंगे तो हर 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पर जानवरों के लिए भी पानी की व्यवस्था करी गई है। और राजस्थान में जब भी आप घूमेंगे तो आपको हजारों हवेलियां दिखाई देगी, वो सारी हवेलियां खाली है, जिस और हम एक मकान के लिए पूरा जीवन लड़के निकाल देते हैं, लेकिन मारवाड़ियों ने इतनी बढ़िया और इतनी शानदार हवेलियों को छोड़ दिया बस इसीलिए कि उन्हें और आगे बढ़ना था और आगे बढ़कर लोगों की सेवा में हमेशा आगे रहना था। तो दोस्तों, आपके भी फ्रेंड लिस्ट में जितने भी मारवाड़ी है उनको आप कमेंट में जरूर टैग करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।
बैग अंदर है ना, एक और किसका बैग अपने साथ लेकर रोल लेके। अरे रोल तो छोड़ तू।